गुजरात में कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। क्या गुजरात में हार जाएगी बीजेपी? किसके सर होगा जीत का सहरा? क्या ईवीएम का चलेगा जादू? पंजाब में निकाय चुनाव में करारी हार के बाद दूध की जली बीजेपी अब छांछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। छह शहरों में कुल 575 सीटों के साथ 144 वार्डों में लगभग 1.14 करोड़ मतदाता अपना मत का इस्तेमाल करने घर से निकल रहे हैं। मौजूदा समय में सभी नगर निगमों में बीजेपी सत्ता में है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा पहली बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी चुनावी मैदान में है। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर और जामनगर सहित 6 नगर निगमों में मतदान जारी है। नतीजों की घोषणा मंगलवार को होगी। दोपहर 12 बजे तक राजकोट में सबसे ज्यादा 18.2% वोट है। वहीं जामनगर में 17.1% वोट, भावनगर में 15.2%, बड़ोदरा में 12.3%, सूरत में 11.2% और अहमदाबाद में 7.8% टर्न आउट रहा। मालूम हो कि नगर निगम चुनाव पिछले साल दिसंबर में प्रस्तावित थे, मगर कोरोना वायरस महामारी के चलते इन्हें स्थगित करना पड़ा। इन चुनावों में बीजेपी ने विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। वहीं लंबे समय से इन स्थानीय निकायों से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और ईंधन की कीमतों में वृद्धि को मुद्दा बनाया। बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने भी रोड शो निकालकर प्रचार प्रसार अभियान चलाया है। वही असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी मुकाबले में है और उनसे अहमदाबाद में 6 वार्ड में 21 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं सुनी सरकार, जैसे पंजाब में किसानों ने बीजेपी को उखाड़ फेंका, उसी तरीके से गुजरात में भी उखाड़ फेंकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।